अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हियर अगेन विद माय लेक्चर नंबर 17। और आज जो है हम सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज अबाउट ह्यूमन स्केलेटन, यानी हमारा स्केलेटन जो है वो किस तरह का होता है। आज मैं आपको उसके बारे में डिस्क्रिप्शन बताऊंगी। सबसे पहले तो ये कि स्केलेटल सिस्टम की स्टडी को कहते क्या है, दैट इज नोन एज स्केलेटोलॉजी। और अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स के अंदर स्केलेटल सिस्टम जो है वो ह्यूमन बींग्स का टू पार्ट्स में कंसिस्ट है। जो उसका फर्स्ट पार्ट है दैट इज नोन एज एक्सियल स्केलेटन, और जो सेकंड पार्ट है दैट इज नोन एज अपेंडिकुलर स्केलेटन। वन बाय वन डायग्राम में जो है वो मैं आपको शो करूंगी कि एक्सियल स्केलेटन जो है वो कौन सा होता है। जो एक्सियल स्केलेटन है स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं कि अपर पार्ट्स, यानी अपर पोर्शन में जो स्केलेटन होगा दैट इज नोन एज एक्सियल स्केलेटन। और एक्सियल स्केलेटन की अगर मैं बात करूं तो इसके थ्री मेजर पार्ट्स हैं। नंबर वन पर जो है वो स्कल आ जाती है इसमें, सेकंड जो है वो आपका रिब केज आ जाता है, और थर्ड पर आपकी वर्टेब्रल कॉलम आ जाती है। स्टर्नम का भी इसमें जो है वो मेजर रोल है। वन बाय वन हम इसकी जो है वो डिस्कशन करेंगे। अगर मैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करूं तो उसमें दो रीजन है, एक है पेक्टोरल गर्डल और सेकेंड है पेल्विक गर्डल। जो पेक्टोरल गर्डल है ये आपके शोल्डर आर्म्स और हैंड को मिलाता है, और अगर पेल्विक गर्डल की बात करें तो ये आपकी हिप बोन को और लेग्स के पोर्शन को जो है वो मिलाकर पेल्विक गर्डल का नाम देते हैं। नाउ वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिटेल ऑफ दीज स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में अगर सबसे पहले पार्ट की स्कल की मैं बात करूं तो वो किस तरह का होगा। स्टूडेंट्स, स्कल की अगर आप ये डायग्राम जो है वो फॉलो करो तो इसमें आप देख सकते हो कि दो तरह की बोन्स हैं बेसिक। फर्स्ट है क्रेनियल बोन, सेकंड है फेशियल बोन्स। जो क्रेनियल है ये एक्चुअल में 8 बोन्स होती हैं, और फेशियल जो है वो 14 बोन्स होती हैं। क्रेनियल की अगर मैं बात करूं तो इनमें से 4 जो है वो पेयर्ड होती हैं और 2 जो है वो अनपेयर्ड होती हैं। ये जो डायग्राम में हाईलाइट की हुई है पेराइटल और टेम्पोरल, दीज आर नोन एज क्रेनियल बोन्स। और इसके साथ साथ फ्रंटल बोन है, स्फीनॉइड है, एथमॉइड है, ऑक्सीपिटल है, ये सारी बोन्स जो है वो क्रेनियल में आती है। इसी तरह जो फेशियल की 14 बोन्स हैं वो भी आप इस डायग्राम में जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हो। आपको लैक्रिमल नजर आ रही है, नेजल है, जाइगोमेटिक है, फिर उसके बाद लास्ट पर जो 2 अनपेयर्ड हैं इनके अंदर से, उस पे आप वोमर और मैंडिबल जो है वो इस डायग्राम में इजीली देख सकते हो। नो द सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन जो है वो है उसका रिब केज। रिब केज में अगर मैं आपकी रिब्स की बात करूं तो आपको पता है कि ये फ्लैट बोन्स, फ्लैट और कर्व्ड बोन्स होती हैं विद हाई रेजिलियंस। ये बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, थोरेसिक रीजन के जो है ये पार्ट में होती हैं। अगर इनकी टाइप्स की मैं बात करूं तो आप ये डायग्राम में देख सकते हो कि 1 to 7 तक जो रिब्स होती हैं विच आर कनेक्टेड विद जो स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई होती हैं उनको हम कहते हैं ट्रू रिब्स। और फॉल्स रिब्स कौन सी हैं, जो स्टर्नम की जो है वो एच पर बिल्कुल एंड पे उसके साथ जो है वो जुड़ी हुई होंगी, दैट आर नोन एज फॉल्स रिब्स। और जो थर्ड है जिसमें 11 और 12th पेयर आता है, आपको पता है पूरी रिब्स का जो है वो 12 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें से इनको जो है वो क्लासिफाई किया गया है। जो लास्ट पेयर है 11 और 12th का, उसको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। वो फ्लोटिंग रिब्स क्यों है, क्योंकि आप डायग्राम में देख सकते हो कि वो सिर्फ और सिर्फ वर्टेब्रल कॉलम के साथ अटैच है। फ्रंट साइड से जो है वो ना तो स्टर्नम के साथ अटैच है, और ये अटैचमेंट जो है वो फ्रंट साइड से, वेंट्रल साइड से नहीं करती, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स। नाउ द थर्ड पार्ट इज द वर्टेब्रल कॉलम। एक्सियल स्केलेटन का जो तीसरा पोर्शन था दैट इज द वर्टेब्रल कॉलम, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसके जो है अगर हम पार्ट्स की बात करें तो ये वर्टेब्रल कॉलम आप देख सकते हो कि उसके डिफरेंट रीजन्स हैं। टोटल 33 वर्टिब्रा, वर्टिब्रा जो है ये आपको स्ट्रिप्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये जो ईच वन है इसको हम वर्टिब्रा कहते हैं, और पूरी वर्टेब्रल कॉलम में टोटल 33 वर्टिब्रा होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है वो पूछा जाता है। अगर मैं इसके रीजन्स की बात करूं तो इसके सर्टेन रीजन्स हैं। सबसे पहला है सर्विकल, दूसरा है थोरेसिक, फिर उसके बाद लंबर, लंबर के बाद जो है वो आपको सेक्रल नजर आ रहा है, और लास्ट पर एक पॉइंट है कॉकिक्स का। आप इसमें देख सकते हो कि 7 जो है वो सर्विकल में है, 12 वर्टिब्रा जो है वो थोरेसिक में है, 5 जो है वो लंबर में है। और अगर ये आप डायग्राम हूबहू ऐसे ही याद कर लेते हो तो आपके जो है वो एमसीक्यूज और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा सा तैयार हो सकता है। कॉकिक्स की अगर हम बात करें तो सेक्रम और कॉकिक्स का क्या फर्क है कि सेक्रम में 5 वर्टिब्रा जो है वो आपस में ज्वाइंट हुए, फ्यूज्ड हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, और अगर मैं कॉकिक्स की बात करूं तो इसमें लास्ट 2 जो 3 और 4th हैं वो आपस में जो है वर्टिब्रा जुड़े हुए होते हैं। कॉकिक्स को एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से वो पॉइंट कहा जाता है कि इन द पास्ट जितने भी वर्टिब्रेट थे उनके अंदर ये टेल बोन के नाम से जो है वो जानी जाती है।
नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द अपेंडिकुलर स्केलेटन. अपेंडिकुलर स्केलेटन में जिस तरह हमने बात की थी कि इसके अंदर टू टाइप्स जो है वो आएंगी. एक आएगा पेक्टोरल गर्डल जिसमें फोर लिम्स आएंगे, और सेकेंड आएगा पेल्विक गर्डल जिसमें जो है वो हाइंड लिम्स आएंगे. आप इस डायग्राम में जो है वो इजिली ऑब्जर्व कर सकते हो. अगर पेक्टोरल गर्डल की मैं बात करूँ तो इसमें जो है वो टू ऐसी बोन्स आती हैं. शोल्डर की बात करें तो आपको ये क्लेविकल भी नजर आ रही है और यहाँ पर ये स्कैपुला का पोर्शन भी जो है वो नजर आ रहा है. फिर उसके बाद अपर लिम्स आते हैं इसके अंदर पेक्टोरल गर्डल में, जिसमें आर्म है, फोर आर्म है और हैंड है आपका. स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक से ही जो है वो डायग्राम मैंने एक पे की है ताकि आपकी आसानी हो जाए समझने में. अगर मैं इसमें बात करूं तो आपको ये स्कैप्यूला भी नजर आ रही है और क्लेविकल आप इस डायग्राम में इजीली देख सकते हो. फिर इसके साथ साथ आपको जो है वो पेक्टोरल गर्डल में फोर लिम की बात करें तो ह्यूमरस भी नजर आ रही है, रेडियस और अल्ना भी नजर आ रही है. फिर उसके बाद रेडियस और अल्ना के साथ साथ आप देख सकते हो कि ये जो आपकी रिस्ट पर जो आपकी कलाई की बोन होती है, दीज आर कार्पल्स. कार्पल्स के बाद आगे जो है मेटा कार्पल्स है, और मेटा कार्पल्स के बाद जो आपकी फिंगर में जो पॉइंट्स हैं दैट आर नोन एज फेलेंजेस, जिसमें डिजिट्स को कभी इसको जो है वो नाम दिया गया है. इसी तरह अगर मैं आपके पेल्विक रीजन की बात करूं तो पेल्विक रीजन में जो है ये मेजर बोन आप देख सकते हो, ये पेल्विस का पोर्शन आपको दिखाया हुआ है. पेल्विस के पोर्शन के बाद आपको प्यूबिस नजर आ रहा है. प्यूबिस से नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये फीमर की बोन आपको लेग बोन नजर आ रही है. लेग बोन के साथ ही जो है वो आगे फॉरवर्ड चले तो टीबिया और फिब्यूला है. टीबिया और फिब्यूला के बाद टार्सल्स है, मेटा टार्सल्स है और फेलेंजेस है. ये सेम वही बोन्स है. हाथों में इन बोन्स को जो है वो कार्पल, मेटा कार्पल और फेलेंजेस का नाम दिया गया है. जबकि अगर हम फीट की बात करें पेल्विक रीजन में तो ये टार्सल्स हैं, मेटल टार्सल्स हैं और फेलेंजेस हैं. स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. अपेंडिकुलर स्केलेटन या फिर एक्सियल स्केलेटन जो है वो इसके बारे में पूछा जाता है कि इसकी डिटेल डिस्कस करो. हेयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन फॉर योर कन्वीनियंस. शॉर्ट में अगर बात करें तो ह्यूमन वर्टिब्रा की क्लासिफिकेशन, जिसमें आपने उसके डिफरेंट रीजन लिखने हैं, सर्विकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रल और कॉक्सिक्स, और उनमें बताना है कि कितने वर्टिब्रा हैं. उसके बाद व्हाट डू यू नो अबाउट फोर लिम्स, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि ह्यूमन स्केलेटन कंप्लीट डिस्कस करो, या फिर एक्सियल स्केलेटन या अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में जो है वो आप डिटेल डिस्कस करो. स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग माय टुडेज लेक्चर यू कैन इजीली आस्क मी इन कमेंट्स. थैंक यू.